हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टैंड के बारे में बताने वाला हूं, जो जैसे हमारे कूलर के स्टैंड होते हैं या किसी और चीज़ का स्टैंड होता है, ऐसे ही दोस्तों ड्रम के स्टैंड होते हैं। ड्रम के बारे में आपको पता भी है, आमतौर पर गाँव में रखते हैं उसको, जो हमारा अनाज होता है उसको स्टोरेज लंबे टाइम के लिए जो स्टोरेज में रखते हैं उसको ड्रम बोलते हैं। तो उस ड्रम के लिए भी स्टैंड होता है जिसके ऊपर वो रखा जाता है। तो वही हमने तैयार किया है क्योंकि आजकल सीजन है गेहूं का, तो बहुत से लोग ये ड्रम का जो स्टैंड होता है उसको तैयार कराते हैं। तो एक स्टैंड मैंने अभी बनाया था, तो दोस्तों उसी के बारे में मैं वीडियो में बताऊँगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, अभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये आपके सामने ये ना स्टैंड है एक, आप लोगों को पता होगा जैसे हम ड्रम होते हैं जो हमारे घरों में आमतौर पर गांव में होते हैं, ये जो अनाज को स्टोरेज करते हैं हम, जैसे गेहूं को और चावल को जैसे रखते हैं इनको स्टोरेज करके ड्रम में, तो ये उसका स्टैंड है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। मैं इसको बनाते हुए तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सका दोस्तों, क्योंकि आज थोड़ा सा स्ट्रेस थी और जिस वजह से मूड नहीं किया कि इसको मैं रिकॉर्ड करूं। तो ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं मैं दिखाने के लिए आपको। ये हमने एंगल में तैयार किया है एंगल, और इसमें पत्ती लगती है, जो ये वाली है ये पत्ती है 1.5 इंच की, और जो ये वाला ये एंगल है 1.5 इंच का। ये अगर दोस्तों मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये 1500 रुपये का देते हैं हम, और लगभग हर वर्कशॉप पे जो भी बनाता है 1500, 1600, 1700 ऐसे अकॉर्डिंग टू अपने कॉस्ट के हिसाब से वो देते हैं। तो अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसमें 12 किलो वज़न है जी, और मजबूत है ये दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर, जितना मर्जी वेट रख सकते हैं हम, काफ़ी मजबूत है ये। तो अभी तैयार किया था मैंने बस थोड़ी टाइम पहले, बस रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने, तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कभी कभी दोस्तों काम पर थकान ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं करता, तो मैंने आज नहीं की। बाकी एक जो दूसरी वीडियो आने वाली वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों।